नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, वैसे तो मैं हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, इस तरह के वीडियोज शायद ही आपने कभी यूट्यूब पर देखे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जहाँ पे साइट है उसके चारों तरफ, जहाँ पे ये घर बनाया जा रहा है उसके चारों तरफ देखेंगे तो खेती लायक ज़मीन है दोस्तों, जहाँ पे बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। दोस्तों इसकी फुटिंग के लिए जब गड्ढा खुदाई हो रहा था तभी दोस्तों आप इसके मिट्टी को देख करके पता कर सकते हैं कि इसकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, मतलब कि लोड सहने का जो क्षमता है वो बहुत ही कम है। दोस्तों, यहाँ पे सॉइल सेटलमेंट का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि अगर आपने घर बनवा भी लिया तो आपका घर फुटिंग दोस्तों नीचे धंस सकता है, क्योंकि जो हमारा मिट्टी है उसमें सहन शक्ति नहीं है, उसमें लोड सहने की शक्ति दोस्तों नहीं है। इस केस में आपको करना क्या है, बिल्कुल इत्मीनान पूर्वक इस वीडियो को देखिए, आपका हर परेशानी का समाधान आपको इस वीडियो में मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि फुटिंग किस तरह से करें। जैसा कि देख रहे हैं इस साइट में किया जा रहा है, बिल्कुल सही काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह से आप फुटिंग करवा सकते हैं, मैं डिटेल दे देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि आपने दोस्तों 4 फीट गड्ढा फुटिंग के लिए खोदा है, 4x4 का कम से कम दोस्तों आप फुटिंग लगाएं। ऐसे नॉर्मल जगह में 3x3 का रहता है, लेकिन इस तरह के जगह में 4x4 का आपको दोस्तों फुटिंग के लिए जगह चाहिए। आपकी सॉइल को देखेंगे, दरार पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितना भुरभुरी है दोस्तों और चिकनी मिट्टी है, ठीक है। इस तरह की मिट्टी में दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पानी का स्रोत जहाँ पर रहता है वहाँ पर इस तरह की मिट्टी आपको जरूर से मिल जाएंगे। बालू और चिकनी मिट्टी का मेल है दोस्तों। यहाँ देखेंगे अगर साइट के चारों तरफ खेत ही खेत है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। तो अब हमें घर तो बनवाना है, हमारा तो मजबूरी है कि इसी ज़मीन पर घर बनवाना है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि 4x4 का दोस्तों आप फुटिंग लेंगे, नॉर्मल तौर पर 3x3 का लेते हैं। उस केस में क्या करेंगे, पहले तो बालू एक लेयर देंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको ईंट का एक लेयर बिछाना है। जब आप ईंट बिछाते हैं उसके बाद में आपको कम से कम 2.5 इंच से लेकर के 3 इंच तक दोस्तों आपको PCC करवाना है। जब PCC का काम दोस्तों ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको दोस्तों RCC करवाना है। जो बेड रहेगा, बेड की मैं आपको दोस्तों जो मेस रहेगा कम से कम 3x3 का होना चाहिए, उसमें दोस्तों 3 फुट का डेवलपमेंट लेंथ देना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, जो एल शेप में रहता है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये फुटिंग के ऊपर जो ये दीवार चलाया गया है, ये दीवार को दोस्तों यहाँ जो जगह बाकी है जहाँ पे खुला जगह है वहाँ पे भी दोस्तों दीवार दिया जाएगा। कितना दूर तक दोस्तों आपको ज़मीन के नीचे खुदाई करवानी है, जितना दूर तक दोस्तों टाइट मिट्टी नहीं मिल जाए जो हमारे दीवार का वजन को सह ले, उतना नीचे दोस्तों आपको क्या करना है कि मिट्टी खोद करके और उसके ऊपर दीवार जोड़ना है। जब इस लेवल पे आ जाएगा पूरा चौहद्दी दोस्तों अपने घर का बांध लीजिएगा, उसके बाद आपको वहीं पे दोस्तों टाई बीम ढाल देना है और उसके बाद में दोस्तों आप उसके ऊपर में जितना भी आपका जो फ्लोर लेवल रखना चाहते हैं, जो फर्श का लेवल रखना चाहते हैं, वहाँ पर जुराई करने के बाद में 1.5 इंच से 3 इंच के बीच में DPC दिलवाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। दोस्तों अगर बात कर लिया जाए तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन आप सही तरीके से करते हैं, जगह भले ही रिस्की है लेकिन आपका अगर कंस्ट्रक्शन का तरीका सही रहेगा दोस्तों तो इस तरह के से भी आप कहीं भी घर बनवा सकते हैं। बहुत परेशानी है दोस्तों तो आप नज़दीकी लैब में सॉइल टेस्ट भी करवा सकते हैं और किसी अच्छे इंजीनियर से आप दोस्तों सॉइल टेस्ट के मुताबिक अपना लोड बियरिंग कैपेसिटी जितना है उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।